नमस्कार, मेरा नाम अनीस मिश्रा है। बाबत स्कूल ऑफ म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ भैया हमारे रवि त्रिपाठी जी आज तबले पे सहयोग करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया अपने पिछले वीडियो में कि विलंबित तीन ताल राग यमन में कैसे बजाएं, फिर उसके बाद हमने उसके बढ़त के बारे में आपको बताया कि जैसे उसके बाद कैसे आलाप करें। आज हम बात करेंगे आलाप के बाद कैसे हम उसमें छोटे छोटे सरगम बजाएं विलंबित तीन ताल। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे, हमें छोटे छोटे सरगम बजा करके फिर हमें 13वीं मात्रा से फिर कॉम्पोजिशन पकड़ लेना है, ताकि हमारे ये, क्योंकि आप कुछ भी बजाइए उसके बाद जब तक आप उस कॉम्पोजिशन को सही जगह से नहीं उठाएंगे वो सरगम का मान्य नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ सरगम बजा के, छोटे छोटे सरगम बजा करके यहाँ पे आप बहुत आसानी से इसको भी आप बजा सकते हैं। अब आप देखिएगा जैसे कि हम
कहीं अलग नोट से भी उठ सकते हैं। बराबर लय की बात हो गई। जो बिगनर लोग हैं उनको आप इस लय में बजा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका अभ्यास अच्छा होने के बाद आप इसमें लयकारी भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी आपको दिखाऊंगा, ये सम आ गया, ये लयकारी हो गई। इसमें इतना इतने तरीके से वैरायटी हो सकती है। अब हम इसका डबल भी कर सकते हैं, जैसे कि आप सम से देखिएगा, ये आपका हो गया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस रहेगा, अभ्यास रहेगा, वैसे वैसे आपका आप लय बढ़ा करके उसी चीज़ को डबल में, चौगुन में, अठगुन में बजा सकते हैं, जिस तरीके से आपका अभ्यास होगा। ये सरगम की बात हो गई, अभी ये सरगम ही चल रहा है। अब जैसे इसको तिहाई ले लिया, तो कई तरीके से हम इसको बजा सकते हैं। इसमें काफी कुछ हो सकता है, काफी कुछ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका अभ्यास रहेगा उसी हिसाब से आप इसको रियाज कर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सिर्फ सरगम की बात होगी। इसमें इतना स्पेस है कि अगर हम एक बराबर लय में भी बजाना चाहें तो 5 से 10 मिनट सिर्फ एक ही लय में बजा सकते हैं। उसके बाद हम इसको तिगुन, चौगुन, अठगुन, 16 गुन, ये सारी चीज कर सकते हैं तबले के साथ। तो इससे आप जब आप अभ्यास करेंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपका हाथ तैयार होगा, दूसरा आप तबले के साथ जब बजाएंगे तो आप अलग अलग लय में इसको बजा सकते हैं, और उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका लय भी और मजबूत होगा तबले के साथ। और जो कि मैं इसलिए ये बात बोलना चाहूँगा कि विलंबित लय में बजाने से, जैसा कि हमारी बात होती रहती है, विलंबित लय में बजाने से अलग अलग
अलग अलग लयकारी करने से ये फ़ायदा होता है कि हम जो भी बजाते हैं उससे हमारा लय बहुत मजबूत होता है। आशा करते हैं आप सभी को हम लोगों का ये वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार।